हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सोनम। यार अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉर्निंग हो रही है, मैं एकदम मॉर्निंग में उठती हूँ। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं कैसे आप सिर्फ 3 से 4 दिन में अपने जो लिप्स जो डल हो चुके हैं, जो ब्लैक हो गए हैं, उनको सिर्फ 4 दिन के अंदर कैसे वापस ला सकते हो। यस, ये चीज़ पॉसिबल है। चाहे आपके लिप्स कितने भी डल हो गए हों, आप उनको वापस ला सकते हो, लेकिन उसके बाद आपको उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मैं डेली रूटीन फॉलो करती थी, जो कि मैं भूल भी जाती, बट राइट नाउ इट्स लाइक माय रिचुअल्स, माय डेली रिचुअल्स। सो अभी मेरा जो इस वीक में मैं मतलब जैसे सोच के चलती हूँ, मुझे वीक में 1 या 2 बार ही अपने होठों को क्लीनिंग स्क्रबिंग एक्सफोलिएट किया, मास्क वगैरह एंड मसाज वगैरह सब करना है। सो आज मेरे वीक का वही वाला दिन है और मैं उसी दिन वीडियो बना रही हूँ। आप भी अगर ये फॉलो करेंगे और उसके बाद आप इसको मेंटेन करेंगे, तो आपके भी जो लिप्स हैं हमेशा पिंक रहेंगे, आई प्रॉमिस। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में मैं करूँगी क्लीनिंग। तो क्लीनिंग के लिए मैंने करीबन यहाँ पे 2 टेबल स्पून रॉ मिल्क लिया है, कच्चा दूध। अब मैं इसे कॉटन की हेल्प से क्लीन करूँगी। सो मैंने इसमें अच्छे से इसको ऐसे लाइक आप देख सकते हो डिप कर लिया है, इसको सोप करूँगी, अपने होठों को अच्छे से क्लीन करूँगी, है ना। यहाँ पे आप देखोगे इस पे कुछ भी मेरे होठों पे लिपस्टिक वगैरह कुछ भी नहीं था, मैं जस्ट उठी हूँगी। ठीक है, ये होने के बाद आप इसे एक नॉर्मल से वॉश कर लीजिए एंड इसको क्लीन कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, अभी क्लीनिंग हो गई है। अब मैंने अपने होठों को अच्छे से एक क्लीन डैम टाल से पोंछ लिया। ठीक है, अभी राइट नाउ क्लीनिंग के बाद आपने अच्छे से 1 से 2 मिनट तक क्लीन करना बहुत अच्छे से, देन बहुत ज़्यादा रब करने की आपको ज़रूरत नहीं है। नहीं, अभी मैं अब करूँगी स्क्रबिंग। ठीक है, एक्सफोलिएट करना अपने लिप्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसी से आपका डल स्किन निकलता है एक्चुअली में। सो फ्रेंड्स, स्क्रबिंग स्टार्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे क्लीन बोल लिया है फिर से, एंड फिर मैं उसमें अपने लिप्स के हिसाब से 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून ऑफ करीबन शुगर ऐड करूँगी। देन मैं इसमें ऐड करूँगी, फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आपको थोड़ा दर्द होता है, आपके होंठ बहुत सेंसिटिव, आपकी स्किन सेंसिटिव है, सो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज़ इंस्टेड ऑफ दिस राइस फ्लावर। ओके, राइस फ्लावर को थोड़ा मोटे दाने का पीस के लेना, उसको भी आप शुगर की जगह यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पतंजलि का हनी, एंड आप कोई भी हनी यूज़ कर सकते हो आप, लेकिन मुझे ये बहुत ज़्यादा रॉ लगता है, इसलिए मुझे सूट करता है मैं ये पतंजलि का हनी यूज़ करती हूँ। ठीक है, इसमें मैं करीबन 1 टेबल स्पून जितना मैंने शुगर लिया उतना ही मैं हनी ऐड करूँगी। देन आपका जो ये हनी है, ये आपके जो होंठ है उनको नेचुरली मॉइस्चराइज करेगा। देन उसमें मैं ऐड करूँगी ये 2 to 3 drops ऑफ लेमन। ओके, लेमन्स में नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट होता है, जो कि आपके डिसकलरेशन पे काम करता है। ठीक है, अब मैं इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी, लाइक दिस। तो बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, थोड़ा सा करीबन 10 to 20 seconds लगता है। इसको मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। नाउ आई नीड टू टेक माई रिंग फिंगर, अब मैं इससे अपने हाथों को बहुत ही ज़्यादा हल्के हाथों से आपको करना है, बहुत हल्के हाथों से आप इसको सर्कुलर मोशन में स्क्रब करिए। शुगर बहुत अमेजिंग है, इतनी अच्छे से आपके होंठ से एक्सप्लेट हो जाएंगे। आपको फ्रेंड्स कम से कम इसको 3 से 4 मिनट तक आप करीबन करो इसको। ठीक, देन ये होने के बाद अब अच्छे से अपने होठों को वापस से क्लीन टॉवल को डैम करके तो पोंछ लीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे हो गई हमारी स्क्रबिंग। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा लग गया। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हो गई स्क्रबिंग। ऑब्वियसली अब मैं अपने होठों को मसाज करने वाली हूँ, चलिए देखते हैं।
सो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी क्लीनिंग हो चुकी है, मेरा एक्सफोलिएशन हो चुका है, स्क्रब मैंने बहुत प्रॉपरली कर लिया, जितनी भी डल स्किन जो इस नेक्स्ट प्रीवियस वीक से इस वीक तक मेरे स्किन पे थोड़ा भी आया होगा होठों पे तो वो निकल गया है। अभी मैं यूज करने वाली हूँ मॉइस्चराइजिंग के लिए बादाम ऑयल। अगर आपके पास बादाम ऑयल नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं, एनी ब्रांड ऑफ कोकोनट ऑयल। हियर आई एम यूजिंग ऑर्गेनिक प्योर एंड श्योर का ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल, इट्स वेरी गुड, सो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। एल्स आई एम टेकिंग हेयर अ बादाम ऑयल। सो देखो यहाँ पे करीबन आधा टेबल स्पून या वन टेबल स्पून करीबन इसको लेना है। देन मैं इसमें ऐड करूंगी एलोवेरा जेल। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा जेल नहीं है तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं। सो हियर आई एम अगेन यूजिंग अ पतंजलि का एलोवेरा जेल। ओके सो इट्स वेरी नाइस पतंजलि प्रोडक्ट्स। सो आई एम जस्ट एडिंग अगेन वन टेबल स्पून करीबन ऑफ पतंजलि जेल ऑयल। एंड ऑयल और इसको एलोवेरा जेल को मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लूंगी, अपने फिंगर से ही मिक्स करूंगी इसको। देन फिंगर से मिक्स करने के बाद मुझे अपने होठों को ना मसाज करना है एटलीस्ट 3 to 4 minutes के लिए, बहुत आराम से रिलैक्स होके। फ्रेंड्स इसको आप लिप बाम की जगह भी दिन भर में कभी भी लगा सकते हो, और आप अगर यही पूरा जो प्रोसेस है, ये पूरा ट्रीटमेंट जो है आप अगर है ना करते हो वीक में 2 to 3 times, फिर देखना आपकी जितने भी डल लिप्स हैं वो दूर हो जाएंगे। ओके एक्चुअली पूरा मेरा जर्नी है फ्रेंड्स, मैंने जब मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं होता था देन आप मुझे देखते मेरा स्किन मेरा मेरे मेरा फेस कैसा हो गया था, मेरे लिप्स कैसे हो गए थे, तो ये मैंने जो पूरा अचीव किया है वो ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स इसको बहुत अच्छे से आप मसाज करिए। सो नाउ फ्रेंड्स मेरा मसाज कंप्लीट है, मैं इसको अपने होठों पे यूं ही 10 मिनट तक रहने दूंगी, और अगर मुझे लगता है तो मैं इसे हटा दूंगी, और अगर आपको नहीं हटाना है तो आप इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं। एल्स आप एक पैड कॉटन पैड ले ऐसे यूं ही, और ड्राइम करते हल्का सा क्लीन कर लें, फिर इस पर आप वापस से आपका लिप बाम लगा सकते हैं। और मैं तो कह रही हूँ आप इसी को लगा के रखो, इसकी बेस्ट लिप बाम है। ओके सो राइट नाउ द माय प्रोसेस इज द होल ट्रीटमेंट इज डन। अब मैं आपको बताती हूँ आपको रखना है किन चीजों का ध्यान अपने पिंक लिप्स को मेंटेन करने के लिए। लेट्स सी। फ्रेंड्स कभी भी अपने होठों को आप अवॉइड करिए कि आप उसको चबाए नहीं, या फिर उसके आसपास आप कभी अपने होठों पे ज्यादा जीभ ना फेरें। और फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि हर 1 to 2 hours में अपने होठों को मॉइस्चराइज ज़रूर करें। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, आपको कम से कम दिन में 10 ग्लास पानी पीना है, इसे करना बिल्कुल ना भूलें। आप खुद देखोगे कि आपके होठों का रूखापन और कालापन पूरी तरह से चला गया है अगर आप इसको 1 week में कम से कम 3 times आप करके देखो। जैसे कि मैंने बोला आप ऑल्टरनेट डे भी कर सकते हो, आपको एक बारी के प्रोसेस में पता पड़ जाएगा। दोस्तों आप इस रेमेडी को प्लीज़ अपनाओ एंड मुझे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिए। फ्रेंड्स अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए, और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आप भी कोई स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और आप उस पर वीडियो देखना चाहते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी से जल्दी वो वीडियो बनाऊँ और वो अपलोड करूँ। सो फ्रेंड्स जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, जब तक के लिए स्टे ब्यूटीफुल स्टे हैप्पी, थैंक यू।